कोई है क्या ब्यूटी पार्लर में? ओह नो, लगता है मम्मी आ गई। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा मधुरा। एक काम करो, तुम जल्दी से जाके पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कोई नहीं है क्या? यहाँ अंदर बैठे हैं सांप। पीछे का दरवाजा तो लॉक है कोयल। मैम मैं तो भूल गई थी, पीछे वाले दरवाजे को लॉक कर दिया, हम वहां से बाहर नहीं जा सकते। राहुल अभी क्या करे? लगता है तुम्हारी माँ बस अंदर आने ही वाली है। मैम आप कुछ कीजिए, इसको छुपाइए। मैम प्लीज मुझे छुपाइयो प्लीज। कहाँ छुपाऊँ मैं तुम्हें? मधुरा मैं अंदर आ रही हूँ, डांटना मत मुझे। ओह गॉड, ये दिमाग में एक आइडिया है मैम, वही करना पड़ेगा जो मेरे दिमाग में है। बिल्कुल वहां से हिलना मत और कुछ भी बोलना मत। अरे क्या क्या चल रहा है अंदर? हाँ इतना बाहर चिल्ला रही हूँ मैं, कोई नहीं है बाहर। हेलो सुमित्रा जी। हेलो, छोड़ो ऐसा होता है क्या? कोई आएगा नहीं ब्यूटी पार्लर में? और ये क्या कर रहे हैं आप? भी असिस्टेंट है ना वो? असिस्टेंट नहीं, इसे होम ब्रेकर कहिए। मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ के चली गई। देखिए मुझे पता है आपके फैमिलीज के बीच में क्या हुआ, बट वो बात मेरे ब्यूटी पार्लर में ना लाइए, बिकॉज इट्स माय ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे मेरी चलती है। तो इसीलिए आप ये जो बातें हैं यहाँ पे ना करें। यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, यहाँ पे बस काम की बात होती है। चलो ठीक है, तेरा ब्यूटी पार्लर है इसलिए मैंने छोड़ दिया, तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, कोई तमाशा करना नहीं चाहती। नहीं तो क्या करती आप? ऐसे मुझे धमकी नहीं दे सकती, मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ तो आपको मुझसे तमीज से ही बात करनी पड़ेगी, समझ गई आप? टू बैट अनब्रांडेड लोगों से बात नहीं करती मैं, समझी ना तू? अब मधुरा मुझे तेरा थ्रेडिंग करना था। अच्छा थ्रेडिंग करनी है? आप एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपका ज़्यादा करना है ना? इनका फेशियल भी है, मैनीक्योर पेडिक्योर भी है, आपका पहले कर लेते हैं, आपको पहले यहाँ से निकाल देता फ्री कर देते हैं फिर इनका कर ले। आप आइए बैठिए। नहीं ना ऐसा कैसे बोल रही हो मधुरा? वो बैठी है मुझसे पहले शायद उनका नंबर है, तुम उनका कुछ कर रही थी, अभी उनका करो। भले ही मैं ब्रांडेड हूँ पर मैं ऐसे छीना छपटी नहीं करती, जिसका नंबर है उसी को दो। मैं अनब्रांडेड नहीं हूँ शर्मिला जैसे कि बैठ जाऊंगे, अनब्रांडेड के लक्षण होते हैं वो। हम ब्रांडेड लोग, जिसका नंबर है नंबर वाइज जाओ। मैं बोल रही हूँ इट्स माई ब्यूटी पार्लर, मेरे रूल्स होंगे, मैं इनको उठा रही हूँ क्योंकि इनका बहुत 1.5 घंटा जाएगा, इनको आपके पास समय नहीं होता। फ्री हूँ मैं, आप कीजिए उनका, मैं बैठ जाऊंगी 1.5 घंटे या 2 घंटे बैठ जाऊंगा। घर जाके भी क्या करना है, बोर होता है, कम से कम यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट तो होगा। हाँ टाइम पास हो जाएगा मेरा। टाइम पास करने की जगह है क्या ये? थिएटर है। गुस्सा क्या कर रहे हो मधुरा? गुस्सा कहाँ मैं बोल रही हूँ, मेरा आवाज ही ऐसा। आप ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी, क्या करना है? मिस आपका मिसेज जो भी हो मैम, इनका मेडिक्योर पेडिक्योर करना है। तुझे क्या पता उनका क्या करना है? असिस्टेंट है ना, उसको सब पता होता है, अपॉइंटमेंट लेती है ना वो, तो उसको पता है किसको क्या करना है। आप तो अपॉइंटमेंट लेती नहीं, आप ऐसे ही चले आती हो। घर की है तो तुझसे क्या लेनी है अपॉइंटमेंट, और वैसे भी तेरा आइकन खाली पड़ा होता है दिन भर। पेडिक्योर पेडिक्योर ठीक है। मिसेज आपका हाथ दिखाइए, और वैक्सीन भी कर लो, बड़े बाल दिख रहे बहन जी। अधूरा लगा ले वैक्स के टाइप सा, वैक्स कर लो। वैक्सिंग करेंगे, वैक्सिंग भी करेंगे, अभी जो है पहले वो करती हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर। हाथ दिखाओ। वैसे ये दुपट्टा के पीछे का राज क्या है? दुपट्टा क्यों डाला है ऐसे? मुझे क्या पता बहन जी। बहन जी ओ बहन जी, अरे बहन जी बोलती नहीं है क्या यार? अभी हर कोई तो आपके जैसा नहीं होता ना पंचायती। मुझे ऐसा लगता है ना आपके घर के जो लोग हैं वो आपको ऐसा बोलते होंगे ना, घूंघट डाल के चलो, बिना घूंघट के नहीं चलना, ये गलत है। आपकी आवाज दबाई जा रही है और यार घूंघट में आप मुझे बहुत अजीब दिख रही हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के इनको ऐसा करने के लिए बोला गया है। बहन जी देखो आवाज उठानी चाहिए हर लड़की को, आपकी मर्जी के बिना अगर कोई कुछ कर रहा है तो आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। घूंघट से दिक्कत है, मुझे तो दिक्कत है क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आप कौन है कहाँ से है। हटा दीजिए ना घूंघट, घूंघट में रखा क्या है, दिखा दीजिए। अरे सुमित्रा जी आपको क्या करना है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, आप किसी को नहीं बता सकते कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठेका नहीं दे रखा है आपने, जिसको जो करना है वो करेगा, आपकी सुन के कोई कुछ नहीं करेगा, समझ गए आप? उनकी मर्जी, उन्होंने घूंघट लिया,
मैं बोल रही हूँ उनको निकालने के लिए, मैं उनको ट्रीटमेंट कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनके घूंघट से, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं कभी बोलती हूँ आपको, आप जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से बात मत कीजिए, फिर भी आप करती हो ना? हर किसी का अपना चॉइस होता है सुमित्रा जी। पता नहीं लोगों को दूसरों के मामलों में इतना मजा क्यों आता है, अपनी बात खामखा थोपते हैं दूसरों के ऊपर। तुझे ऐसा थोपूंगी ना मैं, कभी नहीं भूलेगी मुझे। हो गया कोयल, जाके बाहर जाके बैठ, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आता मैम। तुझे जितना बोला उतना कर। ए, कोयल को मैं बोल रही हूँ मधुरा निकाल दो। अगर क्या है, अगर ये रहेगी ना यहाँ पे, मैं अभी आज आ गई, मैं भूल गई थी ये भी यहाँ पे होती है, पर इसको अगर वापस मैं दिखी, मुझे दिमाग खटक जाता है मेरा इसकी वजह से। अगर तुझे तेरा ब्यूटी पार्लर चलाना है ना, इसको निकाल दे, कोई दूसरी ले ले अच्छी सी लड़की। वैसे भी क्या काम करती है यह, किसने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया, मेरे बेटे को इसने फंसा दिया, उसके पप्पा ने फिर उसको घर से निकाल दिया, और इसको कोई फर्क पड़ रहा है बेशरम बेहया को? ऊपर से कौन सी ब्रांड की, ब्रांड का है कि अनब्रांडेड है यह? ब्रांडेड लोगों के चक्कर में पड़ना है इसको, सपने देखती है ब्रांडेड घर में शादी करने की, औकात है क्या इसकी ब्रांडेड घर में शादी करने की? अरे मैं मेरे बेटे के लिए ऐसे ब्रांडेड हीरा ढूंढ के लाऊंगी ना, ये 56 बड़े होंगे मेरे ब्रांडेड, ऐसे अनब्रांडेड, इतने बुरे दिन आए जो मैं ऐसे अनब्रांडेड बहू करके, मेरा बेटा भी इतना निकम्मा नलायक निठल्ला, पता नहीं कैसे पसंद आ गई इसे यह मनहूस कोयल। ऊपर से पूरा पहाड़ लेके घूमती है सिर पे, बोलना भी नहीं चाहती मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ ऐसे अनब्रांडेड लोगों के बारे में। पता है क्या हुआ मधुरा, इसने प्रपोज करके फंसाया मेरे बेटे को। बस मम्मी, उसने नहीं, मैंने उसको पहले प्रपोज किया है, मैं प्यार करता हूँ उससे, कोयल इज माय लव। क्यों किया इससे प्यार, क्यों किया, क्यों किया, क्यों मम्मी, प्यार क्यों करके नहीं किया जाता, बस हो जाता है, मुझे कुहू कोयल से प्यार है। क्या हो गया, ऐसा थोड़ी ना हो जाता है, अरे ब्रांडेड है तू, ब्रांडेड, बस ब्रांडेड लोगों के साथ प्यार करने का। अगर ऐसी बात है तो मैं आज अभी इसी वक्त से अनब्रांडेड। देखो मधुरा, देखो ये लड़की की, ये लड़की की ब्रांड वॉश की वजह से अब ये खुद को अनब्रांडेड बोलने लगो। खानदानी ब्रांडेड हम, इतना मैंने ब्रांडेड लोगों का नाम ऊंचा किया और मेरा बेटा मेरा नाक काट रहा है इसकी वजह से, जिसका नाक भी नहीं है। देखिए बच्चे अगर एक दूसरे के साथ खुश हो तो पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स लव। ए लव गुरु मत बन तू, बढ़िया यार, तुझे क्या पता प्यार के बारे में, तूने कभी क्या है लफड़ा, कभी क्या प्यार, तू क्या समझेगी प्यार का? चल मैं भी किससे बात कर रही हो, और तू अगर मेरे बेटे को तूने फिर से फंसा तो देख मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। स्टॉप, इनफ इज इनफ, यहाँ पे कोई तमाशे नहीं होंगे, जो तमाशे करने घर जाके करने का, समझ गए? गेट लास्ट, यू गेट लास्ट एंड यू आल्सो।